मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज देश की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आज चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की 3 चरणों का ऐलान किया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और इसी 29 नवंबर को कार्यकाल जो है विधानसभा का समाप्त हो जाएगा। बीती बार बिहार में 5 फेज में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार दीपावली से पहले बिहार की विधानसभा का गठन किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में पूर्ण चुनाव होंगे। कोरोना संकट के चलते पहले सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का विरोध किया था, लेकिन जब आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन होंगे तो सभी तैयारियों में लग गए। चुनाव में 6 लाख PPE किट का इंतजाम किया गया है। कोरोना नियमों के तहत यह चुनाव करवाए जाएंगे। आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग ने बताया कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी और 10 नवंबर को ही बिहार चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। पहले फेज में 71 निर्वाचन क्षेत्र, 16 जिले और दूसरे फेज में 94 निर्वाचन क्षेत्र, 17 जिले और तीसरे चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्र और 15 जिले शामिल होंगे। बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 71, दूसरे में 94 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में बाकायदा पत्रकार वार्ता में बताया कि तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्लेटफार्म के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लें और अगर ऐसा कोई विवाद सामने आए, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। चुनाव आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि इस घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है, जिसके दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पहले से ही विस्तृत व्यवस्था कर दी है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी मतदान के दिन, लेकिन क्वार्टाइन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव लोग मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोटिंग कर सकेंगे। यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो जो आखिरी का घंटा होगा वो उसमें ही वोट कर पाएंगे। इस दौरान सभी स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अगर किसी मतदाता का स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है तो ऐसे मतदाता को टोकन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में मत देने के लिए ही बुलाया जाएगा। खास बात उन्होंने ये बताई कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा भी प्रदान कर दी है। चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स भी दिए जाएंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं नई दिल्ली, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने क्या कहा, पहले आप यह सुनिए। न्यू सेफ्टी नॉर्म्स इज एडेड सेफली बट फर्मली एंड स्टार्टेड बाय कंडक्टिंग इलेक्शंस टू 18 सीट्स ऑफ राज्यसभा एज वेल एज सम MLC इलेक्शंस। एज यू आर अवेयर elections of Rajya Sabha are indirect, but they involve around 1,984 eligible electors across 8 states of the country. Stringent health and safety protocols were enforced during this election. After the successful conduct of these elections amid COVID crisis, ECI had all along been doing kind of parallel exercise on what to do about Bihar and what to do about the by-elections in couple of state assemblies. And
These were quite meticulous preparations, of which to which I'll allude to in a while. So today, friends, we are here. The commission is here to before you to announce the elections to the largest assembly of one of the largest states of India, which is Bihar. I think if you see the relative statistics, it would probably be, as a very senior friend from media said in the morning, the biggest election in the world in the COVID times, in the immediate future. You're all aware that the term of assembly in Bihar is due to expire on 29th November. Bihar Assembly has a strength of 243 members, of whom 38 seats are reserved for SCs and 2 for STs. COVID-19 exigencies and social distancing measures made the Commission revisit the extant instructions. One of the first major steps which was taken was to reduce the maximum number of electors at a polling station from 1,500 to 1,000. I am sure you will kindly appreciate the magnitude of this revision, because the number of polling stations as a result of this decision went up from 65,337 in the year 2015, the year of last, and to more than 1 lakh in 2020. This massive increase in the number of polling stations entails huge logistic and manpower implications. The special summary revision of the electoral rolls of Bihar was held with reference to 1-1-2020 as the qualifying date, and the final roll was published on February 7, 2020. The total electors in Bihar during 2015, when the last assembly elections were conducted, was 67 million. In 2022, now as we are sitting to brace for the polls, the number is about 7.29 crore. That is 72 million. Male electors in 2015 were 3.57 crore, which has now risen to 3.85 crore. Number of female electors was 3.12 crore in 2015, and now it is 3.4 crore. The number of service electors rose from 92,144 to 1.6 lakhs. As far as deployment of EVMs, etc., is concerned, the main tool of elections, 1.89 lakh BUs, 1.41 lakh CUs, and 1.73 lakh VPATs are being deployed in Bihar. To give you further glimpse of the magnitude of logistics to conduct elections during COVID, as per reports received from CEO Bihar, incidentally, we all have had series of interactions with the CEO and other officials of Bihar on a virtual basis, on which I'll come to in some more detail later. More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, there is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. As per reports received from the field units and collated by CEO Bihar, there were about 18.87 lakh migrants across 38 districts of Bihar. Out of these, 16.6 lakh were eligible to vote, being more than 18 years. 13.93 lakh
had their names already on the rolls. During the process of continuous updation, 2.3 lakh voters were registered, and the process of updation is still on. I would take this opportunity to compliment CEO Bihar, the district election officers there, and the election machinery at the district and sub-district level, that they made assiduous efforts to connect with so many migrant workers in the process of registration. Now I come to some more special measures for COVID-19 safe elections. Elections usually involve large gatherings, not only on election day itself, but during campaigns, nominations, and other practices. These events increase human-to-human contact and the risk of direct and indirect disease transmission. The Commission has therefore taken the following steps to mitigate the risk and ensure safe elections. One of the significant ways in which the health impact of COVID-19 can be mitigated is by exploring options to in-person voting for certain vulnerable categories of people. You would recall that way back in October 2019, that is pre-COVID times, on the recommendations of the Commission, the concept of absentee voters was introduced, and it was used very effectively in Delhi at that time. After that, in the elections in Bihar, postal ballot facility has been extended as an option to senior citizens aged 80 and above. We were wanting to extend it to people from 65 and above. Political parties had their own views, but ultimately what clinched the argument of not going for that this time is that because of the increase in the number of polling stations, already our manpower requirements had increased so significantly that we realized we may not be able to manage the 65 part. So it remains 80 years. Persons with disability packed in the electoral roll and COVID-19 suspect or affected persons all shall be taken care of. And in that we are following regarding the COVID-19, even in Rajya Sabha, one or two MLAs who were suspected, they had to vote, cast their votes at the very end after everybody else had gone through the voting process. Special protocol has been, there is also a facility of postal ballots wherever required or wherever asked for. We will also be especially deploying a lot of teams to ensure this process as have been employed, and that we get a lot of cooperation. I am wanting to tell you that we get a lot of cooperation from civil society. We have been getting in the past, and I am sure we will get now also. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect, quarantine, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at the respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee COVID-19 related arrangements. Sunil Arora ne patrakar vaarta ke andar spasht kar diya hai ki Bihar mein 3 charanon mein matdan hoga. Arora ne ab kaha hai ki sirf virtual prachar hoga. और अगर ऑफलाइन नामांकन कर रहे हैं तो दो वाहन और दो ही लोग साथ रहेंगे। क्वारंटाइन किए गए कोविड-19 मरीज वे मतदान के अंतिम दिन अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर वोटर की संख्या घटा दी गई है। बिहार राज्य में करीब 7 करोड़ 29 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 3 करोड़ 39 लाख महिलाएं और 3 करोड़ 79 लाख
पुरुष मतदाता है। जैसे जैसे दिन महीने बीतते गए और कोविड-19 का असर कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा, तो यह महसूस किया गया कि लोगों को स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा के लिए ईमानदार और व्यवस्थित प्रयास करते हुए मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को संतुलित करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा, यानी कि चुनाव आयोग ने यह हल निकाला। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन डिपॉजिट भी भर सकते हैं, साथ ही वे जीत का डिजिटल प्रमाण पत्र भी पा सकते हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव 7:00 से शाम 6:00 तक होंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में यह लागू नहीं होगा। सुनील अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी बताया कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में इस बार 80 वर्ष से या उससे ऊपर की उम्र वाले लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। राजनीतिक दल 65 वर्ष से यह मांग कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा बूथों की संख्या होने के कारण ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं किया। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा, इसलिए बिहार राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होने के बाद ही यह कदम उठाया गया। बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों की संख्या, जिसमें से 38 सीटें SC और 2 ST के लिए आरक्षित हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए आयोग ने मतदान बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सख्ती से पालन करने की आदेश दिए हैं। जहां महिला वोटरों की संख्या कम हो, वहां ये संख्या बढ़ाने, कैंप लगाकर पुरुष व महिला वोटरों का अनुपात ठीक करने, इसके अलावा वापिस आए मजदूरों को 100% वोटर बनाने, दिव्यांग वोटरों की सहभागिता 100% करने, इसके अलावा कोरोना को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट हो बेहतर करने और पर्याप्त संख्या में निर्वाचन कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के साथ जाने की इजाज़त होगी, यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा। इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ 2 लोग और 2 गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही मिल पाएगी। रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए, यह भी कहा चुनाव आयोग ने। हाल ही में संपन्न बिहार के चुनाव में बाजी मारने वाले जदयू नेता नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के CM पद की उन्होंने बागडोर संभाली है। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि पहले वह कितनी बार कब राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार वह 3 मार्च 2006 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार वह 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक BJP के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और बिहार में यह सरकार पूरे 5 साल तक चली। तीसरी बार फिर नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक BJP के साथ मिलकर फिर से सरकार बना गए। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन जो है इसमें थोड़ा दरार आ गई, टूटा। जीतन राम मांझी को फिर से CM बनाएगा। चौथी बार 29 फरवरी 2015 से अब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि बिहार के अंदर चुनावों का डंका बज गया है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है इस समय NDA और UPA में ही होगा। अब आप भी जानते हैं कि लगातार जो UPA जो महागठबंधन के जो साथी थे वो बारी बारी से छिटकते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर अपने चुनाव प्रचार को पहले ही वहाँ तेज कर चुकी है। करनाल के रहने वाले जो एडवोकेट हैं वीरेंद्र राठौर साहब, वो वहाँ बिहार के प्रभारी भी हैं। लिहाजा हमने पहले भी, आपको याद होगा कि समाचार एक्सप्रेस पर उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया था और बिहार के चुनावों को लेकर हमने उनसे ताज़ा अपडेट ली थी, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा था कि जब बिहार के चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, तो उस समय जो नई
पॉलिसी जो कांग्रेस जो अपने दलों के साथ मिलकर बनाएगी वो उसका खुलासा करेंगे। लेकिन उनका अब भी यही कहना है कि बिहार जो है, बिहार के जो चुनाव हैं इस समय मेन मुद्दा वहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की आमद, किसानों की सुरक्षा, किसानों के हित को लेकर है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मझले और गरीब लोग हैं, जिन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली या उनके उन्हें वित्तीय तौर पर मजबूत बनाया जाए, ख़ास तौर पर उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हरियाणा में लगभग आपको पता होगा कि काफ़ी संख्या में, यानी कि लाखों की संख्या में पंजाब और हरियाणा में मजदूर आते हैं। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जब कोविड-19 का असर मार्च से शुरू हुआ और 25 मार्च के बाद पूरे लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, उसके बाद अधिकांश जो है बिहार राज्य के जो मजदूर थे या उत्तर प्रदेश के थे वो अपने अपने गांवों में चले गए थे। हालांकि कुछ मजदूर लौटे हैं, लेकिन कुछ जो है वहां कोविड-19 के चलते वहां कुछ फिक्स भी हो गए, इसलिए थोड़ा वहां बिहार के जो वोटर हैं उनकी संख्या तो बड़ी है। लेकिन अब सवाल ये होगा कि क्या मुख्य मुकाबला किस में होने वाला है। लालू यादव जो हैं वो एक ऐसे राजनीतिक मंच के एक ऐसे कलाकार थे जो किन्हीं भी परिस्थितियों में बाजी पलटने में माहिर थे। लेकिन कई घोटालों के आरोपी अब लालू यादव जो है इस समय जेल में हैं और उनके जो बेटे हैं तेजस्वनी यादव वो इस समय राजनीतिक जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बिहार में इस समय कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है बताई जा रही है। अपने दलों के साथ कांग्रेस का किन दलों के साथ गठबंधन रहेगा, किस तरह से सीटों पर बंटवारा होगा, ये बड़ा अहम होगा। बिहार के चुनाव जो आ रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, ये भाजपा की अगली दिशा और दशा भी तय करेंगे। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो बीते 6 महीनों के अंदर जो लोगों को दर्द हुआ है, जो दुख झेलने पड़े हैं खास करके मजदूर तबके के लोगों को या किसानों को, अब आप जानते हैं कि किसान मुद्दा कितना बड़ा है। आज से 3 दिन का बंद का ऐलान है, ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे इलाके हैं जहाँ पे यहाँ किसानों का आंदोलन बड़ी संख्या में चल रहा है। पंजाब में तो इसका खासा असर देखने को मिला और आज रिपोर्टें आ रही हैं कि हरियाणा में भी किसान आंदोलन तेज़ी पकड़ गया। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या किसान आंदोलन का असर जो 3 अध्यादेश जो भाजपा सरकार जो संसद में लेकर आई है, जो पास करवा चुकी है, इसका कितना असर इन चुनावों पर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसान मुद्दा, अगर किसान एक मुद्दा बन गया या किसान बीजेपी के खिलाफ हो गया तो फिर नीतीश कुमार वाले दल को वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इतना ही कहना पड़ेगा कि बिहार में चुनाव की तरीकों का ऐलान हो गया है, यानी कि 3 चरणों में चुनाव होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब भाग दौड़ शुरू हो गई है, अब जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, जो राजनीतिक दाव पेच हैं या राजनीतिक समीकरण हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक गठबंधन यानी कि दल बदलना या जिस तरह से भी हाथ मिलाने की जो परंपरा चली आ रही है चुनावों से पहले, वो अब शुरू हो गई होगी। यानी कि अब कांग्रेस भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा हो और इस समय कांग्रेस के पास मौका है, वो अपनी जो थोड़ी छवि है बिहार में वो सुधार सकती है। और वैसे भी कांग्रेस काफ़ी तेज़ी से वहाँ बिहार में उभरी है, लेकिन देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस किन किन दलों को अपने साथ मिलाती है। तो ये थोड़ा बिहार के चुनाव को लेकर जो आज घोषणा हुई उस पर हमने आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की और हमने आपको वोटर की संख्या बताई, हमने आपको संक्षेप में बताया, इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में बताया कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, अब तक भी मुख्यमंत्री हैं और अगला बिहार के चुनावों में इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या होने वाला है, किस तरह के भारी उलटफेर होंगे, क्या समीकरण बनेंगे। समाचार एक्सप्रेस आपके साथ सभी चुनावी बातें शेयर भी करेगा। हो सकता है कि हम बिहार का चुनाव कंपेन करने के लिए भी पहुंच जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ताकि हम आपको बताएं कि बिहार में इस समय ताज़ा अपडेट क्या है, ताज़ा स्थिति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम बिहार के चुनाव प्रभारी जो हैं, यानी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के चुनाव प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से भी अगले समय में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे अब उनकी चुनावों को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो समाचार एक्सप्रेस
आपको चुनावी अपडेट से बिल्कुल ताज़ा अपडेट करता रहेगा हर वक्त। तो आप समाचार एक्सप्रेस पर निरंतर बने रहिए, क्योंकि समाचार एक्सप्रेस आपको बिहार के जो चुनावी समीकरण है वो एक एक पल की रिपोर्ट आपको देगा। तो जुड़े रहिए लगातार समाचार एक्सप्रेस के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।